आज हम सुनाते हैं आपको मौत का मैसेज, मौत का मैसेज। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रहा करता था मेरे दोस्तों के साथ, ऋषि, जॉर्डन और केशव। हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम ऋषि के घर से फोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही करनी है हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी ही सगाई तय हुई है। सगाई की सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार अब तो भैया की शादी पक्की हुई है तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि कह देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, परसों निकलते तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले जो कि नोएडा में था। हम सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक बॉटल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लो, तो ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी है। हम सब बियर पी रहे थे लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बॉटल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बॉटल गिरा दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और सब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच हम काफ़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब बड़ी ज़ोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी थी लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके में उतर गया। जॉर्डन अचानक से निकल कर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे मना किया। मैंने कहा, देख भाई हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, चल यहाँ से निकलते हैं, जो कोई भी था बचा नहीं होगा। इतनी ज़ोरदार टक्कर के बाद और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर पर रुके। सुबह हो चुकी थी, सब ने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो भाई जो हुआ उसे भूल जाओ एक बुरा सपना समझकर। अंधेरे में हम वैसे भी किसी को नहीं दिखे होंगे। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुँचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट। हम सगाई में पहुंचे, सब अच्छे से हो गया था। हम लोग भी खूब इंजॉय करने लगे मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर हर चीज़ खत्म होता गया और शाम हो चुकी थी और हम सब के मरे जा रहे थे थकन के मारे। जॉर्डन चितुलटिया भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे सबके फोन 1-7 बजे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था। तभी उसने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला, उसे पढ़कर मेरी नींद ही गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा, अबे ये क्या है, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये मैसेज गया तो तुम भी गए, ये उस ऋषि का ही काम होगा, तू क्यों इतना घबरा गया, ले मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी कर दे। इतने मैं घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले गया। तभी केशव बुला, रे रोहित ये देख ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है, चल तू निकल मैं उसे लेकर के अभी आता हूँ, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। वो रोते सुबह ही जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था, बोले कि रोहित केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने जॉर्डन और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया और अब तक कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी लोकेशन ट्रेस हुई और सब लोग वहाँ पहुँचे। वो वही जगह थी जहाँ इस सब की शुरुआत हुई। वहाँ बस ऋषि की गाड़ी और उसके फ़ोन मिले और कुछ भी नहीं, जिनमें वो मैसेज भी नहीं थे। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाती है। Please like, share, subscribe. Thank you for watching.